जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदपुर बरेली डीएलएड 2019 बैच सेकंड सेमेस्टर विषय गृह विज्ञान उप विषय भोजन का संगठन फूड ऑर्गेनाइजेशन निर्देशनकर्ता डॉक्टर फेमिना मैम प्रस्तुतकर्ता सपना यादव अनुराधा यादव नीतू यादव रूपम कुमारी विजय लक्ष्मी। भोजन का संगठन हमारे नित्य प्रति व्यवहार में आने वाले खाद्य पदार्थों को वैज्ञानिकों ने विश्लेषण करके देखा है कि उनकी रचना कई प्रकार के रासायनिक अवयवों से हुई है जिन्हें भोजक के पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। वे पोषक तत्व इस प्रकार हैं कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन जल खनिज लवण विटामिन। कार्बोहाइड्रेट संगठन यह कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन नामक तीन तत्वों के संयोग से बना हुआ यौगिक है। इसकी रासायनिक रचना की विशेषता यह है कि इनमें हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या ऑक्सीजन के परमाणुओं की अपेक्षा दोगुनी होती है। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं नंबर एक घुलनशील गन्ने की चीनी अंगूर की चीनी दूध की चीनी तथा फ्रक्टोज आदि नंबर दो घुलनशील गेहूँ चावल जौ मक्का व आलू में पाई जाने वाली माडी और पौधों में पाया जाने वाला सेल्यूलोज। कार्बोहाइड्रेट की उपयोगिता ऊर्जा व शक्ति देना नंबर दो गर्मी प्रदान करना ताकि शरीर का तापमान स्थिर रहे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना नंबर चार मांसपेशियों का निर्माण करना नंबर पाँच अधिक मात्रा में पहुंचने पर कार्बोज का यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होना। वसा फैट संगठन का स्रोत सोर्स ऑफ कंपोजिशन वसा में केवल कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व ही होते हैं। वसा भी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन पदार्थों में रहती है। मछली का तेल जानवरों की चर्बियाँ घी वनस्पति तेल आदि वसा के कुछ उदाहरण हैं। यह दूध मक्खन बादाम अखरोट आदि सूखे मेवों और तरकारियों फलों के बीज आदि में भी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। वनस्पति पदार्थों की वसा अधिक संतृप्त नहीं होती और इसमें सभी आवश्यक वसा अम्ल होते हैं जिससे अधिक उपयोगी होती है। मांस आदि से प्राप्त वसा का भोजन में अधिक होना ठीक नहीं होता क्योंकि इनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक तथा वसा अम्लों की मात्रा कम होती है। वसा के कार्य फंक्शन साफ फैट चर्बी का विशेष उपयोग हमारे शरीर के तंतुओं की क्षय हुई चर्बी की पूर्ति करना आवश्यकतानुसार नई चर्बी बनाना तथा शरीर में ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न करना है। चर्बी कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा अधिक धीमी गति से जलती है किंतु इसमें ऊष्मा अधिक उत्पन्न होती है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट पहले जलता है तब उसके बाद चर्बी जलती है। पाचन क्रिया के समय पित्त और अग्नाशय रस के प्रभाव से चर्बी पचकर हमारे रुधिर में मिल जाती है। प्रोटीन संगठन के स्रोत सोर्स ऑफ कंपोजिशन प्रोटीन प्रधानतया कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों के सम्मिलित से बना एक संकीर्ण पदार्थ है। यह वनस्पति जगत तथा जंतु जगत दोनों से ही प्राप्त भोजन पदार्थों में रहती है। दाल मटर चना सेम सोयाबीन मेवे दूध अंडा और मांस में प्रोटीन खूब रहती है। अन्य अनाजों में प्रोटीन बहुत कम होती है। दूध मांस और अंडे की प्रोटीन अनाजों की प्रोटीन से भिन्न होती है। यह जंतु शरीर से प्राप्त होने के कारण हमारे शरीर की प्रोटीन से बहुत मिलती जुलती है इसलिए जंतु प्रोटीन अनाजों की प्रोटीन की अपेक्षा मनुष्य शरीर के लिए अधिक अच्छी होती है। यह शीघ्र ही पचकर हमारे रुधिर में मिल जाती है। एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के कार्य या महत्व फंक्शंस ऑफ प्रोटीन हमारे शरीर के लिए प्रोटीन सबसे अधिक महत्व का पदार्थ है। जीव कोशिकाओं के जीव द्रव्य का यह मुख्य अंश है। पाचन क्रिया में पाचक रसों के प्रभाव से यह पहले तो पेप्टोन में परिवर्तित होती है और फिर एमिनो अम्ल में। नंबर दो शरीर में प्रोटीन बनाने के अतिरिक्त पाचक रसों तथा अन्य ग्रंथियों के रसों के बनाने तथा शरीर में गर्मी और कार्य शक्ति तथा विचार शक्ति उत्पन्न होने में इसे इस भोजन से सहायता मिलती है। जल वाटर हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जल से भाग ठोस पदार्थ होता है। रुधिर में लगभग 80% भाग जल होता है। शरीर की रचना में भाग लेने के अतिरिक्त
अन्य दृष्टिकोण से भी जल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं जल के ही माध्यम से होती हैं। पचा हुआ भोजन जल में घुली दशा में ही शरीर में वितरित होता है। हमारे शरीर के उत्सर्जी पदार्थ जल में घुली दशा में ही मूत्र व पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं। शरीर के जल का अधिक भाग इसी मूत्र, पसीना व निश्वसन द्वारा फेफड़ों से निकली वायु के साथ निकलता है। इसकी पूर्ति हम जल, चाय तथा कॉफ़ी पीकर करते रहते हैं। खनिज लवण, मिनरल सॉल्ट। हमारे शरीर के निर्माण में खनिज लवणों का विशेष योगदान है। हमारे शरीर के लिए कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम तथा गंधक की अधिक आवश्यकता पड़ती है। इन विभिन्न तत्वों में कैल्शियम, फास्फोरस तथा लोहा अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैल्शियम व फास्फोरस हड्डियों तथा दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। पसीने और मूत्र के रूप में शरीर का सोडियम क्लोराइड बाहर निकलता रहता है। इसकी पूर्ति हमारे भोजन के साधारण नमक द्वारा होती है। शरीर के अंतःस्राव के बनाने में तथा पाचन में इससे सहायता मिलती है। धन्यवाद।